खुशी की बात है कि इतना बड़ा पैकेज है, नजर ना लगे किसी का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मुझे पता है कि बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहा था, जिस कारण आप लोग बहुत बेचैन हो गए होंगे। नहीं तो परेशान होने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नया वीडियो लेकर। तो ये वीडियो है एक वस्तु पर जिसको मैं लेने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, बजट नहीं बन पा रहा था इसलिए नहीं ले पा रहा था, लेकिन फाइनली मेरा मतलब कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फाइनली मेरा वस्तु आने वाला है, तो उस वस्तु को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए कि वो वस्तु क्या है और मैंने क्यों लिया और कैसे लिया, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो में बने रहना है। ठीक है समझिए। तो अभी क्या हुआ कि हम खाना खा चुके हैं और ड्यूटी पे नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि अगर ड्यूटी पे जाते तो मेरा डिलीवरी कैंसिल हो जाता, क्योंकि रूम पे कोई नहीं रह पाता तो कैसे गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए हमको रुकना पड़ा है। और वीडियो अभी ऑर्डर आने वाला है, तो उस वस्तु का अनबॉक्सिंग आज इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अच्छा हेलो दोस्तों, एक खुशी की बात है कि अभी मैं 2 मिनट तक बैठा था तो तुरंत फोन आ गया डिलीवरी वाले का, तो मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। A few moments later. ये रहा पार्सल दोस्तों, देखो इतना बड़ा पैकेज है, अनुमान लगा के बताइए, गेस करिए इसमें क्या हो सकता है, बताइए। देखिए आप सब, मेरा ये जो गाल पे ये बाल आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बाल कटवाने 1 महीने में जाता हूँ और ये 15 दिन तक अच्छे लगते हैं, उसके बाद बेकार लगने लगता है, तो इसको उड़ाना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे मतलब उड़ाता नहीं हूँ, तो अगर महीने भर जाता हूँ इसको कटवाने और बाल भी कटवाता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है 1 महीने तक। बात तो सही है, ये बहुत ज़रूरी है इसको लेना, क्योंकि अगर ये मैं उड़वा देता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील भी होता है, इसलिए इसको ख़रीदा हूँ। इसी देखिए गाइस, ये मेड इन इंडिया का है, इसीलिए मुझे और बहुत खुशी है कि अपना भारत वाले भाई कितना अच्छा है कि वो लोग भी ट्रेमर बनाए हैं, तो खुशी होता है अपना स्वदेशी वस्तु यूज करने के लिए। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग और आगे कर रहे हैं। ये रहा मैनुअल कार्ड, मैनुअल यूजर मैनुअल है, स्मार्ट वन S1 डीएट ट्रेम VHTH30, ये इसका मॉडल नेम है, जो कि वेगा कंपनी का है, मैंने ट्रिमर लिया है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसमें कैसे क्या करना है, क्या चलाना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। इसे तो हमें नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हम तो चला ही लेंगे। और ये क्या है इधर, इसको देख सकते हो, ये है हमारा वारंटी कार्ड है, इसको साइड में रखते हैं, हम दिखाते हैं आपको हमारा ट्रिमर कैसा है, किधर है। ये रहा उसका लास्ट वाला बॉक्स, इसको भी ओपन करते हैं, ये ऊपर से ओपन होगा, देख पा रहे हैं गाइस आप सब, ये रहा इसमें ट्रिमर है। सबसे पहले ट्रिमर आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखो इतना अच्छा पन्नी में पैक होके आया है भाई, देख पा रहे होंगे, इसको निकाल के दिखाते हैं आप सभी को। ये रहा भाई, ये ट्रिमर है, एकदम शानदार ब्लैक कलर है, एकदम चमक रहा है गाइस, बहुत अच्छा ट्रिमर है इसको, बहुत देखो क्या है ना, इसमें बहुत अच्छा फंक्शन है, मैंने बहुत ट्रिमर देखा लेकिन ऐसा नहीं मिला, क्योंकि इसमें देखो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे और यहाँ से ऊपर नीचे होता है, नीचे करेंगे तो ये और ऊपर होता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि इस ट्रिमर में क्या है कि ये चला के दिखा देते हैं, ये चलता है, और हमारे यहाँ डिस्प्ले भी है, यहाँ पे देखो लिख रहा होगा कितना चार्ज है, 100% है। और क्या हुआ कि
और भी जो ट्रिमर होते हैं ना, उनमें पता नहीं रहता है क्या है लिखा है, कितना चार्ज है नहीं पता रहता है। मैंने बहुत ट्रिमर लिया है, फिलिप्स लिया था, उसमें नहीं पता चल रहा था, लिया था नहीं, मैंने देखा था ऑनलाइन, नहीं मिला तो नहीं मिला। इसके आगे देखते हैं क्या है इसमें। इधर साइड में हमारा सामान है, ये लगता है हाँ ये ट्रिमर का झोला है, एक ट्रिमर के लिए बैग है जो कि हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये ट्रिमर ना वाटर प्रूफ है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे साथ मिला हुआ है। देखो ये है जो किसी टाइप का डाटा केबल है जो ये चार्ज होगा, और देख लेते हैं ये साफ करने के लिए है। और यहाँ पे एक छोटा सा बोतल में डब्बे में तेल है, और ये साइज भी दिया है, साइज जो कि चेंज करने के लिए केबल साइज, ये देख सकते हो गाइस, ये लगाने के लिए है। तो ये सभी इसमें हमें मिला है, ये साफ करने वाला ये भी, और ये जो बैग है ये मिला है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने लिया, ये बजट में है ये। तो इसका प्राइस बता देते हैं गाइस, ये ज़्यादा नहीं मतलब लगा है 1097 रुपये लगा है। तो इतना पैसा मतलब बजट में ही है, अपना मेंटेन में ही है, तो परेशान होने की बात भी नहीं है। और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम दिया है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा जगह भी नहीं देगा, ये झोले में भर के लेके जा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को ये हमारा ट्रिमर अच्छा लगा होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक मिल जाएगा, आप भी ले सकते हैं। तो 3 स्पीड पे चला सकते हैं, 3 मोड है स्पीड के, एक ये है, फिर 2 है, इसका कलर चेंज हो जाता है, फिर 3री बार इसका चेंज हो जाता है तो हाई स्पीड पे चलने लगता है। यहाँ पे हमारा बैटरी भी बताता है कितना चार्ज है। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर टाइटेनियम का प्लेट लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को ये ट्रिमर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सभी को बता देते हैं कि मैंने ये कैसे लिया, तो ये मेरे खून पसीने मेहनत की कमाई है। क्या हुआ कि मुझे काम न मिलने की स्थिति में मुझे लेबराना करना पड़ा, जिसमें कि मेरा पहला पेमेंट आया था 1950 का, तो मैंने सबसे पहले इसको ही ऑर्डर कर लिया, क्योंकि इसकी बहुत मुझे ज़रूरत थी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तभी मैंने इसको लिया है। तो ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए, तो वीडियो ऐसे ही हमारा आता रहेगा, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे ट्रिमर से खुद का बाल काटने में बहुत डर लगता है, इसीलिए मेरे गांव में एक लड़का था जिसके पास ट्रिमर था, जब मैं उसके पास जाता था तो मैं उससे कटवाता था, वो कहता था कि तू खुद काट ले, लेकिन मेरे को डर लगता था इसलिए नहीं काट रहा था। तो आज मैं ले लिया हूँ, तो मुझे काटना सीखना पड़ेगा, देखते हैं अगर मैं काट लूँगा तो आप लोगों को यही वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख पाएंगे कि मैं कैसे काटता हूँ, अगर उसके बाद कैसा लग रहा हूँ ये भी आप सब देख पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि देखो कितना क्लीन लग रहा है मेरा गाल, ये दाढ़ी उड़ा दिया हमने, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नजर ना लगे किसी का। तो मैंने पहली बार मतलब कि पहली बार अपने हाथों से ये ट्रिम किया हूँ अपने बालों को, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रहा है कि मैंने खुद से ट्रिम किया हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खतरी छोटा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है, चलेगा इतना। और मुझे बाल काटने काटते मुझे एकदम गर्मी हो गई है, एकदम पसीना निकलने लगा है, देख लो यहाँ मेरे चेहरे पे पूरा पानी पानी हो गया है। तो अभी बाल भी कटवाना बाकी है, तो अगर बाल कटवा लेंगे और ये दाढ़ी कटवा देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, शाबाश। तो अभी बाल बाद में कटवाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इतना देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।